नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि अब सरकारी कर्मचारियों को WhatsApp पर भेजे जाएंगे समन। दोस्तों, आज एक न्यूज़पेपर में छपी खबर के अनुसार राजस्थान देश का संभवतः पहला ऐसा राज्य होगा जो कोर्ट के समन WhatsApp और ईमेल के जरिए भेजेगा। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये पहल शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार राज्य की विभिन्न अदालतों में चल रही 11 लाख से अधिक मामलों में प्रतिदिन 18,000 से अधिक समन जारी होते हैं। इनमें से 28% से अधिक समन सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए होते हैं। इनमें मेडिकल ज्यूरिस्ट से लेकर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल होते हैं। इसके लिए बड़ी तादाद में कागज खर्च होने के साथ ही समन की तामील कराने के लिए कर्मचारियों का भी इस्तेमाल होता है। राज्य के विधि एवं गृह विभाग ने इस बारे में हाईकोर्ट प्रशासन से बात की और व्हाट्सएप अथवा ईमेल पर समन तामील कराने का आग्रह किया। उम्मीद की जा रही है कि नई प्रक्रिया शुरू होने के बाद तारीख पेशी में देरी नहीं होगी और सरकारी पैसे की बचत भी होगी। वहीं इस प्रक्रिया में संबंधित मजिस्ट्रेट के डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया भी शामिल की जा सकती है। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की पहल पर इस प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। कटारिया का कहना है कि नई व्यवस्था से कागज, पैसे और मेन पावर की बचत होगी। इसके लिए केस डायरी में सरकारी कर्मचारियों के व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जोड़ी जाने की प्रक्रिया विधि विभाग ने अपने स्तर पर शुरू भी कर दी। जानकारी के अनुसार कोर्ट का समन जारी होने के बाद पुलिसकर्मी इसे थाने लेकर जाएगा, फिर इसे स्कैन कराकर संबंधित लोगों को एक साथ भेजा जाएगा। वीडियो में दी गई सूचना लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों साथ में शेयर करो जिससे उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। और आपसे अनुरोध है, अधिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर सरकारी कर्मचारी पेंशनर से जुड़ी हुई हर एक ताज़ा खबर आपको दी जाती है। धन्यवाद।